स्क्रीन पे भी किया है, डायरेक्शन भी किया है, मेरे साथ में ध्रुव चंद और शक्ति, हम तीनों लोगों ने मिलकर इसको किया है। और ये बहुत पहले है क्योंकि लखनऊ में, हम लोग लखनऊ से हैं, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट हमारे दिमाग में ऐसा आया कि जो आजकल कंडीशंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो अगर ऐसी ही रहीं तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा। अगर इसको हम नहीं ठीक करते हैं तो हमारा फ्यूचर ब्लैक हो जाएगा। तो ये सोच के इसका टाइटल रखा और इस पर शुरुआत की और धीरे धीरे चीज़ें बनती गई, बढ़ती गई और इस तरह हमारी फिल्म जो है तैयार। प्रोमो देख के लग रहा है जैसे कि लड़कियाँ अगर ना हो, औरतें ना हो, अच्छी कहानी है। वो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन वही बात है, प्रोमो देख के लग रहा है कि जिस तरह से आजकल लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, अगर यही कंडीशन रही तो आज से 100-200 साल के बाद आने वाले कल में लड़कियां नहीं बचेंगी। और ये हमारे ख्याल से एक ऐसी फिल्म है कि इसमें रिजल्ट दिखाया गया है, परिणाम दिखाया गया है, अगर लड़कियां नहीं बची तो क्या होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, बहुत पहले कुदरत जो है, जो जिसमें कहा है ट्रेलर में कहा है, कुदरत के नियम, नेचर के जो नियम है, अगर उनको फॉलो नहीं करते, उनके खिलाफ जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आगे उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे बहुत पहले करोड़ों साल पहले डायनासोर जो बना था, कुदरत ने बनाया उसे, जब उसे लगा कि वो भारी हो गया है, धरती पे भारी हो गया है, उसको हटाना ज़रूरी है, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुदरत को या गॉड को ये लगने लगा है कि सबसे डायनासोर से भी ज़्यादा भारी इंसान हो गया है। आदमी इतना भारी हो गया है कि जब वो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर रहा है, जब वो दवाओं में मिलावट कर रहा है, जब आदमी आदमी को मार रहा है, तो हमारे ख्याल से हमारे जो फ्यूचर है वो ब्लैक ही है। और जो फिल्म का लुक है, टाइटल लगा है ब्लैक फ्यूचर का, वजह क्या है? ब्लैक फ्यूचर में बता रहा हूँ ना कि फ्यूचर जो कंडीशंस आज हैं दुनिया की, अगर यही कंडीशंस रही तो हमारा फ्यूचर ब्लैक ही, अगर हम नहीं समझे तो फ्यूचर हमारा ब्लैक ही होगा। और इंटरनेशनल और जो इंडियन लुक के साथ बनाया गया फिल्म स्क्रीन रिलीज, आपने क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देने की कोशिश की गई और कितना डिफिकल्ट था आपको स्क्रीन में लिखना, क्योंकि ये एक आम फिल्म से काफी हट नजर आ रही है। देखिए, स्क्रीन प्ले ऐसी चीज़ है कि हम पहले से देख लें कि हमें पर्दे पर दिखाना क्या है, तो वो सोचते हुए कि हमारा क्या, किस तरह से स्क्रीन प्ले तैयार किया जाए कि हमारा जो मैसेज है वो इंडियन रहे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है वो वेस्टर्न हो, इस तरह का हो कि वो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह पे जो है उसको अप्रिशिएट किया जाए, ये कोशिश में करते हैं। और एक खास बात और भी है, अगर आप ध्यान देंगे तो इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत खूबसूरत है, इसके गाने जो है क्लिक होंगे और एक अच्छा इंटरटेनमेंट जो है मैसेज के साथ, ये हमारी कोशिश रही। सर, मेरा नाम विंसेंट लॉरेंस है, मैंने एक शराबी एकदम डेस्परेट आदमी का मैंने रोल किया है, क्योंकि ये जो स्टोरी है, गुड एंड बैड, ईविल एंड गुड, ईविल सोचता मई फनपूबा और गुड वहाँ पर प्रार्थना करके अच्छाई मांग रहा है, लड़की मांग रहा है, लड़की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताया है इसमें, तो ये चीज़ पूरे दुनिया के लिए मैसेज है, तो ये आगे के लिए मेरे हिसाब से यही ब्लैक फ्यूचर को वाइट फ्यूचर लाने के लिए, वो जो महात्मा है उस फिल्म में वो प्रार्थना करता है, और परमेश्वर, आप पिक्चर देखिए तो पता चलेगा।